दोस्तों पॉजिटिव सोचने की ट्रेनिंग कहाँ पे मिलती है, कैसे मिलती है, कौन देता है, ये जल्दी से पता नहीं चल पाता है। और एक्चुअल में हर इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए ये ही नहीं पता होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल YouTube पे बहुत ऐसी वीडियोज आपको मिल जाएंगी जहाँ पर आपको पॉजिटिव थॉट्स करने की, थिंकिंग करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे कि हमारा भी एक चैनल है सत्यनारायण मोटिवेशनल स्पीकर, इस नाम से चैनल है और इस चैनल पे हम आपको सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करने की ट्रेनिंग देते हैं। यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग की ट्रेनिंग से मतलब ही हुआ, ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण और पॉजिटिव मतलब सकारात्मक और थिंकिंग मतलब सोच, सकारात्मक सोचने का प्रशिक्षण। देखिए हर चीज के लिए ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है और जिस चीज में हम अनट्रेंड होते हैं उस चीज में हमको प्रॉब्लम आती है, यानी कि हम उस क्षेत्र में उस एरिया में सक्सेस नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम रहती है। तो अब क्या है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो ये है, तो कैसे पॉजिटिव सोचें। सबसे पहली बात कि आपको ये समझना है कि पॉजिटिव सोचने का एक ही रहस्य है और वो रहस्य है खुश रहना। अगर आप हर समय खुश रह लेते हैं, किसी भी तरह से खुश रह लेते हैं। देखिए खुश रहने के दो तरीके होते हैं, एक तो इंसान दूसरे का भला करके खुश होता है और एक इंसान दूसरे का नुकसान करके खुश होता है। तो जो दूसरे का नुकसान करके खुश होता है वो नेगेटिव वे है, नेगेटिव तरीका हुआ खुश रहने का। और नेगेटिव तरीके से अगर आप खुश रहते हैं तो ये नेगेटिव थॉट हुई, यानी कि पॉजिटिव थॉट तो हुई नहीं। तो इसलिए अब आपको पॉजिटिव वे में पॉजिटिव थॉट्स करना है तो आपको किसी की भी हेल्प करके ही खुशी मिलती है, ये तरीका आपके लिए सही है। तो आप सबसे पहले अपने आप की हेल्प करना शुरू कीजिए। अपने आप की हेल्प करना शुरू करने से मतलब ये है कि आप अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज कीजिए एवरीडे, और माइंड को शांत रखने के लिए मेडिटेशन कीजिए। जब आप हेल्दी बनेंगे एक्सरसाइज करके तो आपको खुशी होगी कि आप हेल्दी हैं, यानी कि बीमार नहीं हो रहे हैं। जैसे ही आप बीमार होते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं और आपकी पर्सनालिटी निखर के नहीं आती है। अगर आपकी पर्सनालिटी यानी कि बॉडी फिगर जो है मेंटेन है, हेल्दी है, तो आपको ऑटोमेटिक खुशी रहेगी। दूसरा कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे आपके माइंड की शांति होगी, मन की शांति रहती है। वहां भी जब मन की शांति रहेगी तो आप खुश होंगे, ये भी एक पॉजिटिव सोचने का तरीका है। नेक्स्ट कि आप अपनी फीलिंग्स को गुड रखिए। गुड रखने का मतलब ये हुआ कि ये आप अपने आप को सबसे पहले खुश रख रहे हैं, यानी कि सबसे पहले अपने आप की हेल्प कर रहे हैं। अपने आप की हेल्प जब तक नहीं कर पाएंगे आप तो दूसरों की हेल्प कैसे कर पाएंगे। जब आप दूसरों की हेल्प करके खुश रहेंगे, आपको दूसरों की हेल्प करने में खुशी मिलेगी, तभी वही वो तरीका है कि आप खुश रहकर ही पॉजिटिव थॉट्स कर सकते हैं। तो पॉजिटिव थॉट्स करने के लिए दूसरों को हेल्प करना जरूरी है। दूसरों को हेल्प करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। खुशी, खुश रहना ही पॉजिटिव थॉट की ट्रेनिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग की ट्रेनिंग है। यानी कि आप अपनी ट्रेनिंग खुद कर रहे हैं। अब आपको गाइड करने वाला हमारे जैसे बहुत ढेर सारे लोग मिल जाएंगे यूट्यूब पर, और भी ढेर सारे संस्थाएं भी चल रही हैं और सेमिनार्स भी होते रहते हैं जगह जगह पे, और इस तरह के मोटिवेशनल सेमिनार होते रहते हैं। ये मोटिवेशनल बुक्स हैं, उनको आप पढ़ के खुश रहने की कोशिश कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने आप की हेल्प करनी है, खुद की हेल्प करनी है। खुद की हेल्प करने के लिए जैसे मैंने तीन तरीके बताए कि फिजिक बॉडी को मेंटेन रखिए तब आप खुश रहेंगे, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, शांत रहेंगे तो खुशी मिलेगी। और अब क्या होगा, इमोशनल लेवल पे गुड फीलिंग के लिए। गुड फीलिंग का मतलब हो गया कि जब आप गुड फीलिंग रखेंगे तो आपके इमोशंस ऑटोमेटिक गुड होंगे और आप खुश रह पाएंगे। जब खुश रह पाएंगे तो आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। दिस इज योर ट्रेनिंग, यही आपकी ट्रेनिंग है। तो पॉजिटिव थिंकिंग करने की ट्रेनिंग का सबसे मूल आधार ये है, सबसे बेसिक बात है कि आप अपने आप को खुश रखिए। और अपने आप को खुश रखने के लिए आपको अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। अपने आप को हेल्प करने के लिए तरीके मैंने तीन बताए, बस इन तीन तरीकों से ही अपने आप को खुश रखेंगे, अपने आप हेल्प करेंगे, तभी आप दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। जब आप दूसरे की हेल्प कर पाएंगे तो आपकी खुशियां, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और बढ़ने लग जाएगी। और एवरी टाइम एवरीवेयर और हर सिचुएशन में
आप पॉजिटिव थॉट्स रख पाएंगे, ये आपके डे बाय डे एवरी टाइम ट्रेनिंग होती रह चली जाएगी और आप इस मामले में और ट्रेंड और स्ट्रांग होते चले जाएंगे। और जब आप इस मामले में और ट्रेंड और स्ट्रांग होते चले जाएंगे तो क्या होगा, आप आने वाले हर दिनों में, हर मामले में, जिस मामले में भी आप जिस चीज को भी करने के लिए तैयार होते हैं, जो भी लक्ष्य डिसाइड करते हैं, वो लक्ष्य आपका पूरा होने लग जाएगा। आपके काम अच्छे से होने लग जाएंगे, आपके रिश्ते अच्छे होने लग जाएंगे, आपका बिजनेस अच्छा चलने लग जाएगा, आपको लोग समझने लग जाएंगे, जानने लग जाएंगे, आपको लोग रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। ये सारी बातें, इन सारी चीजों से आपकी और खुशियां बढ़ती चली जाएंगी और आपके थॉट्स और पॉजिटिव होते चले जाएंगे। ये इतना आसान भी है, लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो सब कुछ कठिन है, किया तो सब आसान हो जाएगा और आपकी लाइफ स्वर्ग बन जाएगी।